हेलो फ्रेंड्स, उलन लव क्रिएटिंग द हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये मैंने उलन रंगोली मैट की पट्टी का नया डिज़ाइन बनाया है। इस पट्टी का यूज़ हम डोर के सामने डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पट्टी को हम डोर के सामने इस तरह से बिछा सकते हैं। रंगोली की जगह इसे बिछाने से हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन भी कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। तो इस डोर पट्टी को कैसे बनाना है, चलिए इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन को ड्रॉ करके लिया है। आप देख सकते हैं एक कपड़े के ऊपर आपको इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से, देखिए आपको नाप कर दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने 40 इंच की लेंथ ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 40 इंच की लेंथ और हाइट मैंने 9 इंच की ली है। आप इसको आपके डोर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 40 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है, तो इसके हमने क्या किया है, 10 इंच 10 इंच के इस तरह से चार ब्लॉक इस तरह से नाप कर बना दिया है। देखिए इस तरह से 10 इंच के ऊपर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे और इस तरह से चार ब्लॉक हम 10 10 इंच के बना लेंगे। देखिए यहाँ पर चार ब्लॉक में मैंने डिज़ाइन इस तरह से ट्रेस की है। ये डिज़ाइन मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है। तो पिंटरेस्ट ऐप से इमेज कैसे डाउनलोड करनी है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। और ये डिज़ाइन कैसे ट्रेस करनी है, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसे जाकर जरूर देखें। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मैंने डार्क ग्रीन कलर की फर को लिया है। तो देखिए इस तरह से बैकग्राउंड में हम पहले डार्क ग्रीन कलर की दो लाइन लगा देंगे। देखिए एक पहली हो गई और ये दूसरी, वीडियो में दिखाई इस तरह से आप इसे बना लो। देखिए इस तरह से दो लाइन मैंने डार्क ग्रीन कलर की फर से चिपकाया है। अब जो बीच में बची हुई जगह पर हम क्या करेंगे, पैरेट ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैंने दूसरे भी साइड सेम प्रोसेस की है। उसके बाद जो मिडल में हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाई है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कत्ता कलर ब्राउन कलर की एक लाइन देंगे। उसके बाद देंगे रेड कलर की फर की एक लाइन। इसके बाद देंगे डार्क ऑरेंज कलर, उसके बाद देंगे लाइट ऑरेंज कलर, और बीच में छोटी थोड़ी जगह बची है वहाँ पर हम देंगे येलो कलर। देखिए इस तरह से, अब जो हमने ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर देखिए वीडियो में दिखाया है, उस तरह से आपको ये डिज़ाइन बनानी है। पहले हम बॉर्डर में इस तरह से कत्ता कलर ब्राउन कलर को लगा देंगे। देखिए सभी बॉर्डर हमने कत्ता कलर से बनाई है। आप देखिए वीडियो में जिस तरह से दिखाई है उस तरह से इसे हाफ में रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए यहाँ पर पूरी डिज़ाइन में नहीं चिपकाना, इस तरह से हाफ में चिपकाना है। उसके बाद देंगे डार्क ऑरेंज कलर, उसके बाद लाइट ऑरेंज कलर, एक एक लाइन देंगे हम सभी के, और बीच में जितनी जगह बची है वहाँ पर देंगे येलो कलर। देखिए इस तरह से ये सेम प्रोसेस रिपीट करके हमें दूसरी बची हुई भी पंखुड़ी को बनाना है। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से बचे हुए तीन फ्लावर भी हम बना लेंगे। देखिए यार इस तरह से ये तीन फ्लावर को हम सेम प्रोसेस करके बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ये सभी को इस तरह से बनाया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम लेंगे येलो कलर की फर को। येलो कलर की फर को लेकर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से साइड से जो ये बनाया है हमने फ्लावर, उसके साइड से इस तरह से येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आप सभी फर को इस तरह से चिपका देंगे। पहले हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी लगे। देखिए इस तरह से हम सभी फ्लावर के साइड से येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद हल्का हल्का हम प्रेस करते जाएंगे ताकि ग्लू अच्छे से चिपक जाए। ग्लू लगाने के बाद उलन को चिपकाएंगे और हल्का प्रेस करेंगे। देखिए जो ऊपर हमने लाइन बनाई है वहाँ पर भी हम इस तरह से येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर बीच में जितनी भी जगह बची है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी येलो कलर की फर को चिपकाया है। चिपकाने के बाद साइड में बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से फर को चिपककर कपड़े को कट करेंगे। देखिए इस तरह से
हल्के हल्के हमें क्या करना है, कपड़े को कट करना है। इस तरह से मैं सभी कपड़े को फर को चिपक कर इस तरह से कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने पूरी कपड़े को कट किया है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी उलन पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस उलन पट्टी को आप त्यौहार में डोर के सामने रखकर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ये डोर पट्टी की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही रंगोली मैट की नई नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।